हो जाए इज मेडिटेशन इज अबाउट प्रोडिगल्स रिटर्न और आज का जो हमारा मनन हमने लिया है वो उस बारे में है उड़ाव पुत्र जो वापस लौटा अस अकॉर्डिंग टू सर लूक चैप्टर 15 वर्स 20 और लूका अच्छे सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 20वां वचन 12 फिफ्टीन uh, 15 20. लूका का जेसु समाचार 15 अध्याय 20वां वचन व्हाई does it say so he got up and went to वहां लिखा है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला दिस टॉकिंग अबाउट द प्रोडिगल सन और यहां पर बात हो रही है उडाव पुत्र के बारे में देर आर टू थिंग्स टू बी कंसीडर्ड और यहां पर दो ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें सोचना है नंबर 1 द एक्टिंग्स ऑफ द प्रोडिगल सन ट फादर इस उड़ाव पुत्र ने कौन कौन से कार्यों को अपने पिता के लिए के विपरीत किया सेकेंडली दूसरी बात द द्स ऑफ द फादर टुवर्ड्स हिज सन कि पिता ने बेटे के के प्रति कैसे अपने कार्य को किया सो फर्स्ट लेट अस कंसिडर द सन्स और जो पुत्र था उसके कार्यो को हम दो भागो में बांट सकते हैं नंबर वन पहला भाग वॉट ही सेड उसने क्या बोला एंड वाट ही डेड और दूसरा उसने क्या किया ही सेड उसने कहा he would arise. कि वो उठेगा Remember where he is. और याद रखिए वो कहाँ पर है और वो एक दूर देश में है अपने घर से कई दूर he, he that city as a very rich man, और वो शहर में एक बहुत ही समृद्ध और व्यक्ति के रूप में और अंत में वो किसी एक बहुत ही समृद्ध किसान के सुअरों को देखभाल करने so में उसका पिक्सिंग और अब वो कोशिश कर रहा है वो

खुद आजादी पाकर अपने पिता और मां बाप की मात्र और पिता छाया से बाहर निकलकर चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं सो so don't ट्राई टू डू दैट और ऐसा करने की कोशिश ना करें Everybody loves freedom. और हर किसी को आजादी पसंद है बट फ्रीडम विदाउट डिसिप्लिन विल लैंड यू अमंग द पिक लेकिन याद रखिए आजादी बिना अनुशासन के आपको सुअरों के बीच में ले आई सो सिटिंग और इसलिए वहां बैठे हुए डाइंग ऑफ हंगर और वो तो भूख से मर रहा था रिमेम्बर इज फादर हाउस उसने अपने पिता के घर को याद किया And then he said, और तब उसने कहा आई वु राइस कि मैं उठूंगा And then he, ही वट इड यू डू और उसने क्या किया He arose and went. वो उठा और वहां से गया he fulfilled what he determined. उसने उस बात को किया जिसका निश्चय उसने किया था He said. वाइज उसने कहा था मैं उठूंगा और जाऊंगा नाइसिंग अप रियली मीन और वहां पर उठने का क्या मतलब है व्हाट डिग्निफाइड ये किस बात को दर्शाती है इट सिग्निफाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग हिस्स Evil ways. और ये इस बात को दर्शाती है कि पहले वो अपने बुराई या बुरे तरीकों को छोड़ेगा और उन या अभ्यासों को भी छोड़ देगा जो वो पहले करता था और जो बुरी संगति है उसे छोड़ देगा और उसके बाद मन फिर आएगा ही नाउ स्ट्रोव टू फॉलो एंड नो The Lord. और अब उसने ये निश्चित किया कि वो आगे बढ़कर परमेश्वर को जानेगा और उसके पीछे चलेगा व्हाट इज द लेसन उसके पीछे क्या शिक्षा है वाट इज द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस और क्या शिक्षा हम इससे सीख सकते हैं desperate फॉर गॉड और ऐसे लोग जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं विल सेट themselves forward to meet with God और वो खुद को आगे करेंगे ताकि वो परमेश्वर से भेंट करने पाए and God shall never disappoint such people और परमेश्वर ऐसे लोगों को निराश नहीं करता if you read uh, chapter uh, hebrews chapter eleven verse six. और अगर आप इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय छठे वचन को पढ़ते हैं it is a very good Verse. वहां पर लिखा है और विश्वास बिना उस, उसे प्रसन्न करना अनहोना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए आ. कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड और ये तो असंभव है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने without विश्वास के बिना पर who wants टू कम टू गॉड और वो जो परमेश्वर के पास आना चाहता must है believe that God is, उसे तो ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है earnestly. और वो उनको प्रतिफल देता है जो भूखे और प्यासे उसके लिए होते हैं Friends, if you are lost, और मेरे मित्रों अगर आप खोए हुए हैं and instead of sitting in the place where you are now, और उस स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आप बैठे हैं rise up. आप भी उठे कम बैक टू गॉड और वापस परमेश्वर के पास आ जाए क्योंकि सिर्फ उसी में आप अपने जीवन की संतोष को पाएंगे और इसलिए परमेश्वर के पास लौट आए और परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं करेगा एंड दिस इज ए गुड थिंग अबाउट अवर गॉड और यही एक अच्छी बात है हमारे परमेश्वर के बारे में गॉड शैल नॉट डिस अपॉइंट हु और परमेश्वर किसी ऐसे को कभी निराश नहीं करेगा जो उसकी खोज करता है हिज राइसिंग सिग्निफाइज ऑल्सो Attending to the means of grace. उसका उठना इस बात को भी दर्शाता था कि कैसे वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहता है या उसमें आना चाहता है And these means of grace was appointed were appointed by God Himself for your growth and maturity. और याद रखिए इस अनुग्रह को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए मुहैया किया है नियुक्त किया है ताकि हम भी बढ़ने और फलने और सियाने बनने पाए ग्रो इन ग्रेस द बाइबल से वचन कहता है अनुग्रह में बढ़ते चले जाओ ग्रो इन द लव ऑफ गॉड और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाओ ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाओ ग्रो इन दर्प बाई ऑफ गॉड बाई यूसिंग द मीन्स ऑफ ग्रे और परमेश्वर की योजनाओं उद्देश्य में बढ़ते चले जाओ उस अनुग्रह को प्रयोग करते हुए अंड सच पर्सन विल प्रे

And, uh, भागिता में भाग लेता है फेलोशिप आल्सो इज अ मींस ऑफ ग्रेस फॉर यू टू ग्रो एंड बिकम मैच्योर क्योंकि सहभागिता भी एक कारण है एक तरीका है जिसके द्वारा हम अनुग्रह में भाग ले सकते हैं you, और सियाने बनते जाते हैं व्हेन यू ग्रो इन दीस थिंग्स और जब हम इन बातों में बढ़ते चले जाते हैं यू आर प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियनिटी तब आप मसीहत का अभ्यास कर रहे हैं देयर इज नो अदर वे और कोई तरीका ही नहीं एंड uh, दिस सच पीपल इन दर्ड टू हिस अटमोस्ट टू मेक अ प्रोग्रेस और तब इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग पूरा प्रयत्न करते हैं कि वो प्रभु येशु मसीह में आगे बढ़ते जाए प्रोग्रेशन टूवर्ड वॉट और किस ओर बढ़ते चले जाए प्रोग्रेशन क्राइस्ट वर्ल्ड और ऐसा बढ़ना जो परमेश्वर की ओर हो And then he desires after God. और उसकी इच्छा और मन सिर्फ परमेश्वर के लिए है सैतीस भजन सैतीस उसके चार में इस प्रकार लिखा है चार में लिखा है यहोवा को अपने मन का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा he says, Delight yourself in the Lord。 एंड ही वुल गिव यू द डिस ऑफ योर हार्ट और वहां पर लिखा है यहोवा को अपने मन के मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा सम people सिंपली से द बाइबल says Uh, God will fulfill the desires of your heart. और कई लोग बहुत साधारण रीति से कह देते हैं कि वचन में लिखा है कि वो तेरे हृदय के विचारों को पूरा करेगा। So I am going to desire a BMW car for myself. और इसलिए मैं एक BMW गाड़ी को अपने लिए इच्छा रखता हूँ। And you wait and wait and wait, but it never comes. और आप इंतजार करते हैं करते हैं करते हैं लेकिन वो गाड़ी कभी आती ही नहीं Then he blames God. तब वो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं My friends, God never said that. He said, Your desires must grow out of your relationship with God. You begin to delight yourself in the Lord. वो कहता है कि तू अपने यहोवा को अपने मन का मूल जान और जब ऐसा होगा तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। When you delight yourselves in the Lord, और जब आप यहोवा में खुद को प्रसन्न पाते हैं your desires will not be on earthly and worldly things तब आपकी इच्छाएं सांसारिक और ऐसी चीजों की ओर नहीं होंगी जो अनावश्यक हैं। यू आर डिसाइड टू डिलाइट यूर सेल्फ इन द लॉर्ड और आपकी एक विल रिवॉर्डेड आपकी एक शाखा की आप परमेश्वर में आनंदित होंगे इसके लिए आप प्रतिफल पाएंगे व्हाट डस एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 22 uh, 42 से और प्रेतों के कार्य उसका दूसरा अध्याय और 42वें वचन में It क्या says लिखा है there. और वहाँ पर लिखा those है Those who believed and baptized on the day of Pentecost और वे जिन्होंने उस पेंटेकोस्ट के दिन में विश्वास किया और बपतिस्मा पाया वे gave themselves to the studying of the scriptures उन्होंने खुद को

And you do the same. और आप भी ऐसा ही देखिए तब परमेश्वर आपको ये वो बातें थी जो उड़ाव पुत्र ने बोली और करी सेकेंडली और दूसरी इज फादर एक्शन अब हम देखेंगे उसके पिता ने क्या किया Father's action is fivefold. और पिता ने जो किया उसके में के पांच भाग हैं. Without explaining, listen to these five things. और आइए बिना आप इसे सुने इन पांचों बातों को. Number one. पहले. He saw his son while he was still far. उसने अपने बेटे को देखा जबकि वो काफी दूरी पर ही था. It's so amazing the father recognized this unrecognizably disfigured son. और ये तो बड़ा अद्भुत है कि पिता ने बड़ी दूरी से ही इस गंदे और ना पहचाने जाने वाले बेटे को पहचान लिया और इसका son. मतलब ये था कि ये पिता बड़े प्रेम के संग अपने खोए हुए पुत्र का इंतजार कर रहा Secondly, था। he had compassion on him. और दूसरा कार्य जो उसने किया कि उसने अपने बेटे पर दया दिखाया Thirdly, he और तीसरा उसने ये किया कि वो दौड़ कर गया कि अपने बेटे से मिले फोर्थली ही किस्ड हिम और चौथी बात उसने ये किया कि वो उसके कंधे पर उसे गले लगाया और उससे चूमा बिफोर हि सन कुन हिज फावर ने कन किस्ड हिम द इससे पहले कि बेटा पिता को गले लगाकर कंधे कंधे पर सर रख कर उसे चूमता पिता ने उसे कंधे पर रखकर गले लगाकर चूमा फिफ्थली ही ब्रॉट हिम होम और पांचवी बात जो उसने करी कि वो बेटे को घर ले आया डिड नॉट से द काउ शेड यू स्टे समवेयर उसने ये नहीं कहा घर लाकर अरे वो देख वहां वो स्तबल है no. गाय भैंसों का वहां रहे नो ही डू दैट ऐसा नहीं किया रूम और उसे उसके कमरे में ले गया ही हिम न्यू क्लोथ और उसे नए कपड़े दिए गेव इम न्यू शूज उसे नए जूते दिए गेव इम ए रिंग टू उसे एक अंगूठी दी पहनने के लिए थ्रू फॉर हिम अग पार्टी और एक बड़े उत्साह समारोह के लिए उसका आयोजन किया उसके लिए वेलकम होम बैंकवेट एक घर वापसी का समारोह वॉट एर रेवल्यूशन ऑफ द फादर्स लाव और कितना बड़ा महान प्रकाशन है पिता का प्रेम का That's what the father did. और ऐसा ही पिता ने किया फाइव थिंग्स पांच बातों को

कि आप अपने स्वर्गीय पिता का उस प्रेमी दया का अनुभव करने पर आर यू लाइक दिस प्रोडिकल सन लॉस to god क्या आप भी सुदाव पुत्र के समान हैं जो परमेश्वर के लिए खो गए हैं once you love the lord पहले आप परमेश्वर से प्रेम रखते थे you are born again आपने नया जन्म पाया baptized बपतिस्मा लिया and tried to enjoy fellowship और संगति का आनंद लिया and then got into a wrong company और फिर गलत रवैये में चले गए who led you away from the house of god और आपको परमेश्वर के भवन से दूर चले गए and now you are completely lost और अब आप पूरी तरह से खो गए हैं यू आर कंफ्यूज आप खोए हुए यू आर ट्रबल्ड और आप घबराए हुए यू आर अफ्रेड आप डरे हुए you हैं यू हैव नथिंग आपके पास सब कुछ are नहीं यू आर पर्सन लाइफ है क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं डोंट फियर आप घबराए ना देर इज एक पिता आपका इंतजार कर रहा है अपने हाथों को खोले आपका your, आपको गले लगाने heavenly के। father. आपका स्वर्गीय पिता रिटर्न टू हिम उसके पास चले आए इन इन डिपेंडेंस और उस दया और उस माफी और मन फिराने Decide के साइड व्हाट यू आर गोइंग टू टेल योर फादर और निश्चित करें कि आप अपने पिता को क्या बताएंगे फादर पिता आई मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है आई एम नॉट वर्थी और मैं योग्य नहीं और जब आप ऐसी दीनता मन फिराने के साथ आते हैं और इतना ही आपको, चाहिए। और आपका पिता आपको गले लगा लेगा। और आपको अंदर ले आएगा एंड जॉय और आपके संग आनंद मनाएगा रिटर्न इसलिए वापस लौट रिस्टोर यू और वो आपको वापस वैसे अपॉन यू परमेश्वर का शीशा हालेलुया

हम धन्यवाद करते हैं कि आप एक पृथ्वी के पिता के समान नहीं हैं। यू आर रेडी टू फॉर गिव आप तो तैयार हैं क्षमा तैयार हैं स्वागत कि फिर से उस रिश्ते को तारोताजा कर एंड रिस्टोर टूस्ट सन वॉट एवर ही और उस सारी बातों को जो उस खोए हुए पुत्र ने खो दी है उन्हें वापस उसे So grant to us your grace and the the power of the Holy Spirit. To to you. और इसलिए हमें अपनी अनुग्रह दे और अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे की हम वापस तेरे पास लौट थैंक यू इन जी धन्यवाद यीशु के नाम में आमेन आमेन